संस्कृति। आज का हमारा ये चैप्टर शायद से इस दुनिया का सबसे आसान चैप्टर होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ दो शब्दों के अर्थ समझना है, और वो दो खूबसूरत शब्द हैं, संस्कृति और सभ्यता। सबसे पहले तो मैं तुम्हें शॉर्ट में इन दोनों ही शब्दों का अर्थ समझा देता हूँ, और फिर हम चैप्टर को बहुत ही डीप में समझेंगे। नहीं। सबसे पहले हम समझते हैं संस्कृति का अर्थ। तो जब कोई व्यक्ति कोई इन्वेंशन करता है, कोई खोज करता है, जैसे बल्ब की खोज, टेलीफोन की खोज, या फिर फिजिक्स के किसी फॉर्मूले की खोज, तो उसे संस्कृति कहते हैं। मतलब कि किसी खोज या किसी इन्वेंशन को संस्कृति कहते हैं, और वो व्यक्ति जो इन्वेंशन करे उसे संस्कृत व्यक्ति कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम सभी लोग जो इन इन्वेंशंस को तो नहीं किए, लेकिन आज हम इन्हें यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर और भी सभ्य बनाने के लिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। मतलब कि इन्वेंशंस को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को और भी सभ्य बनाने को ही सभ्यता कहते हैं। बस इन्हीं दोनों शब्दों का अर्थ कुछ उदाहरणों के साथ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फिर चलो चैप्टर शुरू करते हैं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, कुछ नहीं करोगे तुम मुन्ना। ये बढ़िया था गुरु। लेखक कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये समझ में बहुत ही कम आते हैं, और कई बार तो इनके साथ कुछ विशेषण लगा देने से इन्हें समझना और भी कठिन हो जाता है, जैसे भौतिक संस्कृति या फिर आध्यात्मिक संस्कृति। और कभी कभी तो ये दोनों शब्द एक से ही प्रतीत होते हैं, जैसे इन दोनों का मतलब एक ही हो। इन्हीं दोनों शब्दों को समझाने के लिए लेखक एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सुई और धागे का। लेखक कहते हैं, पता नहीं सुई धागे का आविष्कार कैसे हुआ होगा, शायद ठंड से बचने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, या शायद अपनी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। वे कहते हैं, सुई बनाने के लिए लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसमें छेद बनाना और फिर उसमें धागा पिरोकर डालना ही संस्कृति है। मतलब कुछ इन्वेंट करना ही संस्कृति है, और इन इन्वेंशंस को आधार बनाकर, मतलब बेस बनाकर, आगे जो इस क्षेत्र में विकास हुआ उसे ही सभ्यता कहते हैं। अब लेखक के द्वारा कहे गए वो दो शब्द भौतिक संस्कृति और आध्यात्मिक संस्कृति का भी मतलब जान ही लेते हैं। देखो जी, संस्कृत मतलब होता है इन्वेंशन, और भौतिक मतलब फिजिक्स। मतलब फिजिक्स से रिलेटेड जो भी इन्वेंशंस हुए उन्हें हम भौतिक संस्कृति कहते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक मतलब होता है स्पिरिचुअल, एंड अगेन संस्कृति मतलब होता है इन्वेंशन। मतलब कि स्पिरिचुअल लेवल में जो इन्वेंशंस होते हैं उन्हें ही हम आध्यात्मिक संस्कृति कहते हैं। जैसे कि ये समझना कि आपका मन कैसे काम करता है, या फिर ये समझना कि आपका दिल किसी के प्यार में क्यों पड़ जाता है। तो आगे लेखक हमसे एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, आज से काफी साल पहले न्यूटन बाबा ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, लेकिन आज के समय में फिजिक्स के सारे बच्चे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन से भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं, और उसे कई ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में खुद न्यूटन ने कभी नहीं सोचा होगा। तो क्या हम सभी फिजिक्स के स्टूडेंट न्यूटन से भी ज्यादा संस्कृत नहीं हुए? आपको क्या लगता है, आंसर कमेंट्स में जरूर बताना। तो इस सवाल का जवाब है नहीं। बेशक आज हम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में न्यूटन से भी कई गुना ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमने इस लॉ को इन्वेंट नहीं किया, हमने सिर्फ इसे यूज़ किया है, तो हम संस्कृत नहीं सभ्य कहे जाएंगे। तो अभी तक हम संस्कृति का दो अर्थ जानते हैं। पहला, किसी चीज़ की खोज या इन्वेंशन को हम संस्कृति कहते हैं, जैसे कि सुई धागे की खोज, आग की खोज, या फिर टेलीफोन की खोज। ठीक इसी तरह लेखक ने हमें संस्कृति का एक और अर्थ समझाया, और वो है, कई बार हम चीज़ों को इन्वेंट नहीं करते हैं, वो प्रकृति में पहले से ही हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण या आसमान में टिमटिमाते ये तारे, जिन्हें किसी ने इन्वेंट नहीं किया, ये पहले से ही पृथ्वी में हैं। लेकिन इनके बारे में खोज करना कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, या गुरुत्वाकर्षण का बल सामान को नीचे ही क्यों खींचता है, इन सभी चीज़ों की खोज को भी
हम संस्कृति कहते हैं। ठीक इसी तरह लेखक हमें संस्कृति का एक और भी अर्थ बताते हैं। तो अभी तक हम संस्कृति का दो अर्थ पहले ही जान चुके हैं, एक किसी नई चीज़ को इन्वेंट करना, दूसरा प्रकृति में पहले से उपलब्ध चीज़ों के बारे में खोज करना। और लेखक हमें संस्कृति का तीसरा अर्थ समझाते हुए कहते हैं, संस्कृति सिर्फ किसी चीज़ की खोज करने या किसी चीज़ के बारे में जानने तक ही सीमित नहीं, बल्कि हमारे आपके हम सबके अंदर एक दूसरे के लिए प्यार भी संस्कृति है। लेखक बताते हैं, हम ऐसे कई लोगों के उदाहरण जानते हैं जो खुद भूखे होने के बावजूद अपने सामने रखी थाली को भी किसी और को दे दिए। हम उस माँ को जानते हैं जिसका बच्चा अगर बीमार हो जाए तो दर्द उसे होता है। और हमारे सामने तो स्वयं बुद्ध जी का उदाहरण है, जो लोगों के कल्याण के लिए अपना राजपाट सब त्याग कर लोगों की सेवा में लग गए। हमारे सामने तो उन कार्ल मार्क्स का उदाहरण है, जो अपनी सारी जिंदगी मजदूरों के कल्याण के लिए बिता दिए और वो भूख से परेशान होने के बावजूद भी मुश्किल से मिले हुए एक ब्रेड के टुकड़े को भी अपने सामने खड़े एक भूखे मजदूर को खिला दिए। तो लेखक ने हमें उस छोटे से शब्द संस्कृति के तीन अर्थ बताए। पहला, किसी वस्तु या किसी इंस्ट्रूमेंट की खोज करना, जैसे सुई धागा या फिर आग। दूसरा, प्रकृति में पहले से उपलब्ध चीज़ों के बारे में लोगों को बताना, उन्हें समझाना भी संस्कृति है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या तारों का टिमटिमाना। और तीसरा, दूसरों के प्रति हमारे दिल में निस्वार्थ प्यार, जैसे आपके माता पिता बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्यार करते हैं। इस चैप्टर के अंत में लेखक हमसे एक और बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, क्या ऐसे इन्वेंशंस जो मानवता का विनाश का कारण बने, फिर चाहे वो बंदूक हो या बॉम्ब हो, क्या ये भी संस्कृति हैं? अगेन वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर हाँ या ना नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो इस सवाल का जवाब है नहीं। मानव के विनाश के लिए जितने भी इन्वेंशंस हुए उसे हम संस्कृति नहीं बल्कि असंस्कृति कहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर बॉम्ब या बंदूक का आविष्कार होता ही नहीं तो युद्ध में बेवजह ही इतने जवानों की मौत नहीं होती, वो लाठी डंडा से कितने ही लोगों को मार लेते हैं। चलो अब मैं भी आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ, क्या आप इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप को संस्कृति कहोगे या नहीं? आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है अपने रीजन के साथ। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।